उज्जैन का माधव नगर अस्पताल एक बार फिर विवादों में है, जहां एक महिला को कोरोना पॉजिटिव बताकर 1,00,000 रुपए से अधिक रेमडेसिविर इंजेक्शन बुलवाए गए। सोमवार रात में महिला की मौत हो गई। परिवार वालों को शव देते समय रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई। इससे आक्रोशित महिला की 3 बेटियां धरने पर बैठ गईं। एक बेटी ने कहा, हमसे इतने महंगे इंजेक्शन 1,00,000 रुपए के बुलवाए गए, उनका क्या किया, बेच दिए क्या? 7 इंजेक्शन पूरे कल हो गए, कल आईसीयू में मम्मी को एडमिट कर दिया, कल आईसीयू में भी इंजेक्शन का आखिरी डोज कल आईसीयू में भी लगाया, पता है ये समझ में नहीं आ रहा। कल शाम तक मम्मी की पल्स रेट ऑक्सीजन सब नॉर्मल था, सिर्फ थोड़ी देर में आधे घंटे में हमें कोई मिलने नहीं दे रहा, हमें कोई बता नहीं रहा कि अंदर क्या चल रहा है, और भी पता नहीं क्या हुआ, और फिर कल तक भी हमको जैसे तैसे संभालो और अभी नेगेटिव रिपोर्ट बना के दे रहे, क्या ऐसा क्या कर लिया जो नेगेटिव रिपोर्ट बना के दे रहे है? उनका ये कहना था कि हमें प्रॉपर रिपोर्टिंग मिल जाए, तो वो अभी हम आए हैं यहाँ के जो ड्यूटी डॉक्टर हैं उनसे उनको प्रॉपर डिस्चार्ज दिलवा रहे हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट अब देने जा रहे हैं? जी हाँ, ये जब भर्ती हुए थे तो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी और उपचार के दौरान इनकी मृत्यु होना भी डॉक्टर बता रहे हैं, उसी तारतम्य में इनको रिपोर्ट अभी। हंगामे के बीच SDM पहुंचे और मामले को शांत कराया। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर।